सिद्धार्थनगर जिले में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाई जाती हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के कैबिनेट और जिले के प्रभारी मंत्री AK शर्मा सिद्धार्थनगर जिले के बांसी, इटावा व डुमरियागंज विधानसभा में आए। प्रभारी मंत्री AK शर्मा ने यहाँ पर आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में शिरकत की और सैकड़ों की संख्या में मौजूद लाभार्थियों को सरकार की उपलब्धियाँ गिनाई। मंत्री AK शर्मा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि जिन लोगों को केंद्र और राज्य सरकार से लाभ मिला है उनसे प्रेरित होकर प्रदेश की जनता ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ ले सके। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से जमीनी हकीकत का भी पता चल जाता है। उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार के प्रति लोगों का प्रेम ही है कि तपिश भरी गर्मी और लू के बीच इतनी भारी संख्या में कार्यक्रम में लोग आए हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी 9 वर्ष पूरा होने के लक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का ये पर्व मना रही है। हम लोग पिछले कई दिनों से जनता के बीच जाकर के इन 9 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो कार्य किए हैं, राज्य सरकारों ने जो कार्य किए हैं उसकी बात कर रहे हैं। आज विशेष रूप से लाभार्थी सम्मेलन रखा गया था। लाभार्थी सम्मेलन रखने के पीछे की भावना ये है, आपने जैसा माननीय सतीश द्विवेदी जी को सुना कि हर बूथ से, विधानसभा के हर बूथ से लगभग लाभार्थी आए हुए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।